यहाँ कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा है का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता है। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा संचालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावना के सत्कर्म से प्रवृत्त रखना चाहिए। आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए वह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अधिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म से निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत गीता द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उनकी हानि या बुराई नहीं होती। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भवित ना हो जाए वो तो ये सारे कार्य उसके लिए लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी प्रकृति पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वो मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अभूत शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शनों के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूत हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति के क्रमशः आत्मबुद्धि आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो आपके अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूत है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपयोग क्यों ना दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मियों प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छंद योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को जो भाव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठ है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इस जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुँच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित समय जीवन बिता सकता है। पागल है क्या? तो बोल ना। ए भगवान।